हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिग इंफ्रा। मैं अर्पित सेठिया आपके लिए लाया हूँ 15x50 का नॉर्थ फेसिंग बंगलो, जो कि आपको मेरे पीछे की ओर दिख रहा है। इस बंगलो को टूर करने के पहले हम ये जान लेते हैं हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम खड़े हुए हैं राजनगर के पास में VIP परस्पर में। देखने के साथ साथ हम देखते हैं इसका एलिवेशन। तो फ्रंट में आपको यहाँ गेट देखने को मिल रहा है, जो कि बड़ा सा गेट है, जिसमें आप 4-व्हीलर जो इजिली आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। ये जो गेट है हमारा, ये बोथ साइड ओपनेबल गेट रहेगा, जो फ्रंट में भी खुलेगा और बैक में भी खुलेगा, तो बहुत सारे ओपनेबल गेट रहेगा। नॉर्मली 15x50 में आपने पार्किंग की प्रॉब्लम्स देखी होगी, पर इस वाले जो बंगलो में आपको 15x50 के अंदर पार्किंग प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो साइज दिया है हमने वो 12x15 का फ्रंट में हमने पार्किंग स्पेस दिया है, जिसको मैं बोलता हूँ वरंडा स्पेस। साथ साथ में हम उसको सिट आउट स्पेस भी बोलता हूँ या फिर उसको पोर्च भी बोलता हूँ। तो आप इसको मल्टीपर्पज में आप इस स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। रही बात यहाँ की वाटर की, तो हमने यहाँ पर जो नर्मदा का कनेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर है और नर्मदा का पानी लगभग यहाँ पर रेगुलर आता है, तो आपको यहाँ वाटर टैंक भी आपको देखने को मिलेगा। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ टॉप पे मीटर बॉक्स देखने को मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम में आपको यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो आपका वाटर टैंक का पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। मेरे बैक साइड में आपको विंडो सेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि विंडो का जो साइज है यहाँ पर थोड़ा बड़ा साइज दिया है हमने। यहाँ पर विंडो का जो साइज रहेगा वो 6x4.5 फीट का यहाँ पर विंडो का साइज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वही ट्रिपल लेयर में इसको विंडो को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। रही बात के एलिवेशन की, तो आपको यहाँ फ्रंट में हम आपको PVC की शीट एलिवेशन पर्पज में आपको लगा के दे रहे हैं, जो आपको फ्रंट में देखने को मिलेगी। साथ साथ में एक लग्जरी लुक देने के लिए जो ग्रासिंग का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम आपको राइट हैंड साइड पे ये भी आपको यहाँ पर लगा के दे रहे हैं। अब हम चल रहे हैं हमारे ड्राइंग हॉल में, जो कि ये मेरे पीछे देखने को आपको मिलेगा। इस ड्राइंग हॉल में जाने से पहले पूरे डोर के बारे में बात कर ले हम लोग। तो डोर का जो विड्थ है हमारा वो डबल पता हमें इसको दे रहे हैं, इसमें मॉस्किटो नेट वगैरह भी आप इजिली प्लेस कर सकते हैं। और जो डोर है CNC कटवर्क में, इसको हम आपको यहाँ डोर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आजकल मॉडर्न घरों में हम जो साथ साथ में देते हैं, वही उसी लुक में इस डोर को हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। डोर का जो साइज है हमारा वो 3.5x6.5 फीट का आपका डोर का ये साइज रहेगा, जो कि एक स्टैंडर्ड घर में हम उसको नॉर्मल प्रोवाइड करते हैं। अब हम आ गए हमारे ड्राइंग हॉल में, एक लग्जरी सा ड्राइंग हॉल, जिसके अंदर वॉलपेपर हम आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं, जो कि आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिलेगा। ये वॉलपेपर है हमारा। और इस रही बात इस ड्राइंग हॉल के साइज की, तो 15x13.5 का ये ड्राइंग हॉल रहेगा हमारा, जो आपको यहाँ एक सफिशियंट ड्राइंग सिटिंग के लिए मोर देन सफिशियंट रहता है, सोफा सिटिंग के लिए, TV यूनिट के लिए आप इजिली आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। और रही बात इस ड्राइंग हॉल के वेंटिलेशन की, तो जो विंडो हमारी फ्रंट पे थी उसका वेंटिलेशन आपको यहाँ पर इस ड्राइंग हॉल में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में ड्राइंग हॉल में हम आपको PVC जो हम फॉल सीलिंग भी प्रोवाइड करके दे रहे हैं, जो आपको टॉप पे देखने को मिलेगी, विथ सेंटर हम इसमें मिररिंग करके दे रहे हैं आपको, उस सेंटर पे आपको देखने को मिलेगा। इंक्लूडिंग आपको TV यूनिट जो रहेगी आपको यहाँ मेरे राइट हैंड साइड पे देखने को मिलेगी, आप अपना TV यूनिट यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और इसका अगर आपको इंटीरियर प्लान करना हो तो आप मुझसे इसके इंटीरियर के लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे ड्राइंग हॉल से हमारे अंदर की ओर, जो हमने यहाँ CNC कटवर्क में आपको PVC शीट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, जो इस ड्राइंग हॉल के अंदर 4 चांद लगा रहा है। मेरे राइट हैंड साइड में आपको टॉयलेट देखने को मिलेगी, जो अटैच लेट बाथ रहेगी, और इसमें हम आपको स्टैंडर्ड एक्सेसरीज यहाँ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब हम आ गए हैं किचन की ओर, तो किचन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ साइज। एक 15x50 में नॉर्मली आपको किचन छोटा देखने को मिलेगा, पर हम आपको यहाँ पर एक सफिशियंट बंगलों के हिसाब से हम आपको किचन यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये किचन जो रहेगा हमारा मॉडल किचन रहेगा, जिसके अंदर हम आपको स्टैंडर्ड कैटेगरी के हम आपको यहाँ पर ट्रॉलीज भी लगा के यहाँ पर दे रहे हैं। आप ये ट्रॉलीज आके चेक कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं। ट्रॉलीज में हम ये कंपार्टमेंट्स भी आपको यहाँ पर बना के दे रहे हैं, और साथ साथ में टांड के भी जो आप यहाँ पर अपना स्टोरेज ऊपर टॉप पे भी आप कर सकते हैं इजिली। देन इसके किचन की साइज की बात करूँ, तो किचन की जो साइज है हमारी वो 15x10.5 का किचन का साइज रहेगा हमारा। देन इसके हमारे जो आइलैंड पर्पज है यहाँ पर, तो आप अपना जो रहेगा खाने बनाना जो पार्ट रहेगा आप यहाँ बना सकते हैं, और देन जो वॉश एरिया वाला आप बर्तन वगैरह धोना है वो आप इस जगह पर इजीली कर सकते हैं। ये बेसिन में हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, और किचन के अंदर हम आपको 2 फीट की टाइल्स भी आपको यहाँ पर लगा के दे रहे हैं। हम आ गए वॉश एरिया में, तो वॉश एरिया का जो साइज है वो 2x17 फीट के आसपास का वॉश एरिया रहेगा, जिसमें आप बर्तन यूनिट रहेगी आपकी एक तरफ और एक तरफ आपका वॉशिंग यूनिट रहेगा। तो ये हमारा वॉश एरिया था जो अटैच रहेगा किचन के साथ में। इस वॉश एरिया से मैं आ जाऊंगा बैक साइड में मेरे बेडरूम की ओर,
तो बेडरूम आप देख सकते हैं, बेडरूम का साइज जो 15x10 का हमारा बेडरूम का साइज रहेगा, एक सफिशियंट साइज रहता है डबल बेड के लिए। इसके अंदर हम आपको वॉलपेपर प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, और फॉल सीलिंग के साथ में आप अपने यहाँ डबल बेड प्लान कर सकते हैं, और आपका जो वार्डरोब वाला पोर्शन है इजिली यहाँ पर प्लान कर सकते हैं राइट हैंड साइड पे। रही बात इसकी वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन को हम आगे देखते हैं। वेंटिलेशन में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये वेंटिलेशन है आपको जो इस बेडरूम का वेंटिलेशन आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे। तो ये हमारा हो गया है ग्राउंड फ्लोर का प्लान खत्म। यहाँ पर जो हमने जी प्लस वन प्लान कर रहे हैं उसमें ग्राउंड फ्लोर हमने आपको बता दिया पूरी तरीके से। अब इसके बाद चलते हैं हम हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जिसमें हम आपको दो बेडरूम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम चल रहे हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। तो जो आपको विड्थ जो चढ़ाव का विड्थ है वो 3.25 फीट बाय जो हमारा चौड़ाई है जो चढ़ाव की रहेगी 3.25 फीट की रहेगी। और इसके बाद हम चलेंगे हमारे लॉबी की ओर। हम आ गए हैं सेंट्रल लॉबी में, एक शानदार सा वॉलपेपर हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा। इसके बाद मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बैक वाला बेडरूम है, और फ्रंट में मेरा राइट वाला बेडरूम है। इस घर में एक आपको एक शानदार सी चीज़ दिखूंगा जो असल वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस घर में हमने स्पेशल वो चीज़ यहाँ पर लगा के हम आपको दे रहे हैं। उसके लिए मेरे वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहिए। तो हम चलते हैं हमारे बेडरूम में जो पीछे की तरफ है। ये हमारा बेडरूम है जो बैक साइड में है, इसके साथ में अटैच लेट बाथ रहेगी। इसमें OTS हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस बेडरूम में हम यहाँ पर वेस्टर्न यूनिट की जगह हम इंडियन यूनिट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेरा जो बेडरूम का साइज है वही जो मैंने नीचे आपको बताया था एज इट इज साइज हमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बैक साइड में फॉल सीलिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, और टॉप पे फॉल सीलिंग है आपको यहाँ सीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ आप अपने कोई शोपीस वगैरह भी आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, बेड यहाँ प्लान कर सकते हैं, और आपकी वार्डरोब्स वगैरह आप इजिली इस जगह पर आप इसको यहाँ पर आपको अब यहाँ प्लान कर सकते हैं। देखने को ये बहुत शानदार लग्जरी मास्टर बेडरूम टाइप का दिख रहा है, तो जो छोटे बंगलों में आपको देखने को नॉर्मली ये चीज़ें नहीं मिलती है। अब इसके बाद हम चलेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम में। उसके पहले जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट जो चल रही है, उस कॉन्सेप्ट पर मैंने एक छोटी सी थीम दी है। यहाँ पर एक छोटा सा रूम प्रोवाइड किया है जिसको मैं बोल सकता हूँ स्टडी रूम, जो आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये मैं कह सकता हूँ हमारे ये जो बंगलो है अभी हो गया 4BHK, तो ये स्टडी रूम है। आप इसमें अपना स्टडी वाला पार्ट हो गया है या फिर वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर चल रहा है उस कल्चर में आप यहाँ पर इस जगह पे बैठ के आप अपना वर्क भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, और शोर गुल से आप अपना एकांत में यहाँ पर मंदिर का पूजा पाठ भी आप इस जगह पे आराम से कर सकते हैं। इस रूम की जो रही बात साइज की, इस रूम की जो साइज रहेगा जो 10x8 का इस रूम का साइज है हमारा, जो स्टैंडर्ड छोटा रूम होता है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बच्चों के लिए खेलने के लिए, आप इस रूम का यूटिलाइज भी कर सकते हैं। इस बेडरूम से मैं निकलूंगा हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलूंगा। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर। ये बेडरूम का जो साइज है आप देख सकते हैं, मास्टर बेडरूम है हमारा, तो बड़ा बेडरूम फ्रंट की ओर, वेंटिलेशन की कभी कमी नहीं आएगी। फ्रंट की साइड हमारा ये बेडरूम है, बैक साइड में हम आपको यहाँ पर वॉलपेपर लगा के दे रहे हैं। इस बेडरूम की रही बात साइज की, तो इस बेडरूम का जो साइज है 15x14.5 का इस बेडरूम का हम साइज दे रहे हैं, अटैच लेट बाथ के साथ में जो भी आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिलेगी। इस बेडरूम में आप अपना डबल बेड इजिली प्लान कर सकते हैं, विथ आप अपना जो वार्डरोब वगैरह भी प्लान कर सकते हैं। अब बेडरूम से मैं चलूंगा बाहर की ओर, बालकनी की ओर। थोड़ा अंधेरा जरूर हो गया है पर शाम का व्यू भी आप इसमें बालकनी में बाहर आके देख सकते हैं शाम का व्यू। तो ये बालकनी का एरिया है हमारा जिसमें हम लोग बाहर देख सकते हैं, वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर है, और एक अच्छी सोसाइटी में हम लोग रहते हैं जिसमें आपको नॉर्मल जो फियर रहता है कि घर कितने बने ये क्वेश्चन रहते हैं मेरे पास आते क्वेश्चन कॉल वगैरह, या आप जो बंगलो प्रोवाइड करें इसके आसपास कितने बंगलो वगैरह बने हैं। तो यहाँ वेल डेवलप कॉलोनी है, शहर के मध्य है, और ये आपके बजट में भी आएगी। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे इसमें जो विशेषता एक आध और बता देता हूँ। ये जो मकान है हमारा नॉर्थ फेसिंग मकान रहेगा, 15x50 इसकी साइज रहेगी, और ये 4BHK मकान है, एक छोटा सा रूम इसमें हमने प्लान करा है विद मॉड्यूलर किचन। और रही बात इसके बजट की, तो बजट जानने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। तो दोस्तों ये हमारा 15x50 का जो बंगलो है इसका टूर यहाँ पर समाप्त हुआ। इस तरह के बंगले के लगातार देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, और बंगलों के बजट के बारे में जानने के लिए मुझे जरूर कॉल लगाएं। थैंक यू।